बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फोर्थ ईयर, आज जो है हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी वाले ही क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन रिलेटेड होंगे वो आपके एक्सरसाइज में से, स्पेशली प्रोपोर्शंस एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रोपोर्शन से। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग प्रोपोर्शंस की प्रॉपर्टीज से, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन अगर हमारे पास हो पी हैट। तो हमें पता है कि म्यू ऑफ पी हैट किसके इक्वल होता है, पी के इक्वल होता है, यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन का जो मीन है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी के इक्वल होता है। और सिग्मा पी हैट यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट, वो इक्वल होता है पी इंटू क्यू ओवर एन होल स्क्वायर रूट के, यानी कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इंटू वन माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो कि क्यू के इक्वल होता है, डिवाइड बाय एन के। और ये केस होगा जबकि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट होगी। और दूसरा जो केस है वो हमारे पास सिग्मा पी हैट इक्वल होता है पी की ओवर एन इंटू एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन होल स्क्वायर रूट जबकि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट होगी, या फिर सैम्पल साइज एन जो है वो ग्रेटर होगा किससे, 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से। इस सूरत हाल में हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो जी है वो किसके इक्वल आती है, हमारे पास वेरिएबल यूज़ होगा पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, सॉरी सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट माइनस म्यू ऑफ पी हैट ओवर सिग्मा ऑफ पी हैट, यानी कि और उसमें फर्दर जो है हमारे पास क्या आएगा, फर्दर हमारे पास आ जाएगा पी, ये यहाँ से म्यू ऑफ पी हैट तो हमारे पास पी के इक्वल आएगा क्योंकि हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से सिग्मा पी हैट पहले हम इसको पुट कर लेते हैं, ठीक है, अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो। जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं पी हैट प्लस वन बाय टू एन, ठीक है, प्लस माइनस वन बाय टू एन, ये कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर है। हमने पी हैट में या तो प्लस करना है या माइनस करना है वन ओवर टू एन। वन ओवर टू एन जो है वो हमारे पास कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर है क्योंकि जो प्रोपोर्शन वाले हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हैं ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जबकि हम उसकी अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, प्रॉबिलिटी ले रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो कि एक कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब हम एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में तो फिर कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर यूज़ होता है। इस केस में हमारे पास कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर वन बाय टू एन है, याद रखें कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर क्या होगा, वन बाय टू एन, उसको या हम प्लस करेंगे या हम माइनस करेंगे। वो केसेस मैं आपको भी बताती हूँ कब हम प्लस करेंगे और कब हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल आप लोगों ने फॉर्मूला यही जहन में रखना है। उसके बाद जो है वो फिर आपके पास फर्दर क्या आ जाएगा, फर्दर जो है वो पी हैट प्लस माइनस वन ओवर टू एन माइनस पी ओवर ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला नीचे सिग्मा ऑफ पी हैट लिखती है एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन एफ पी सी वी सी जिसमें यूज़ हुआ है। तो ये दो फार्मूलाज जी के आपके यूज़ होंगे, या तो पी की ओवर एन होल स्क्वायर रूट जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होगा, या फिर पी की ओवर एन एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन होल स्क्वायर रूट यूज़ होगा। अब ये है हमारे पास वो फोर केसेस जिसमें हमने क्या करना है, इन फोर केसेस में हमारे पास क्या आएगा कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वन बाई टू एन हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर है, ठीक है। और इसमें से एंड विल बी यूज्ड एज, अगर हमारे पास जो फॉर्म हुई प्रोबेबिलिटी की वो ये हुई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन यूज़ हो रहा हुआ, तो हम क्या करेंगे पी हैट में से माइनस करेंगे वन ओवर टू एन। अगर यूज़ हो रहा हुआ पी हैट इज़ ग्रेटर देन ए, खाली ग्रेटर देन ए हुआ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना हुआ, इक्वालिटी का साइन ना हुआ, पी हैट इज़ ग्रेटर देन ए यानी कोई भी जो भी प्रोपोर्शन की वैल्यूज़ होगी, अगर ग्रेटर देन का साइन होगा तो फिर हम क्या करेंगे पी हैट में प्लस करेंगे वन ओवर टू एन को, ठीक है। इसी तरह से जो थर्ड केस है वो खाली लेस देन का, अगर पी हैट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट लेस देन ए हुआ तो फिर हम यूज़ करेंगे पी हैट माइनस वन ओवर टू एन, और अगर पी हैट लेस देन और इक्वल्स टू ए हुआ तो फिर हम
प्लस करेंगे 1/2n को, ठीक है। ये कोई इतने मुश्किल नहीं है याद रखने। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू p हैट ग्रेटर देन इक्वल्स टू a है तो फिर माइनस करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू a है तो फिर प्लस करेंगे, अगर ग्रेटर देन a है तो फिर प्लस करेंगे और अगर लेस देन a है तो फिर माइनस करेंगे। ये चार केसेस हैं, इनको याद रखें। कब हमने 1/2n को कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर को प्लस करना है और कब हमने उसको माइनस करना है। अब आ जाते हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, सबसे पहला सैंपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड वो क्वेश्चन नंबर 14.49A है। इसमें आपको क्या गिवन है, 2% ऑफ द ट्रीज इन अ प्लांटेशन आर नोन टू हैव अ सर्टेन डिजीज, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इन अ सैंपल ऑफ 250 ट्रीज, नंबर वन लेस देन 1%, नंबर टू मोर देन 4% आर डिजीज, ठीक है। सो परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके प्रोपोर्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो आपको पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो क्या गिवन है, 2%, ठीक है। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या गिवन है, 2% ऑफ द ट्रीज इन अ प्लांटेशन आर नोन टू हैव अ सर्टेन डिजीज, वी हैड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ सैंपल ऑफ 250 ट्रीज, एंड जो है वो आपके पास 250 है और हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना है लेस देन 1% और नेक्स्ट में फाइंड आउट करना है मोर देन 4%। इसका जो बी पार्ट है, जब हम मैं ए आपको करवा दूंगी तो बिल्कुल इसी तरह से सब कुछ गिवन है, आप लोगों ने उसको खुद कर लेना है, ठीक है। मैं आपको ए पार्ट करवा रही हूँ, ए के दोनों पार्ट्स करवाऊंगी, बी पार्ट में सब कुछ इसी तरह का गिवन है, आप लोगों ने उसको खुद से कर लेना है। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आ जाते हैं तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें कि n जो है वो इक्वल टू 250 है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 2% है, वी हैव टू फाइंड द प्रोपोर्शन दैट इन अ सैंपल ऑफ 250 ट्रीज, नंबर वन पे क्या है लेस देन 1%, पहले हम यही करेंगे, और सेकंड पे क्या है मोर देन 4% आर डिजीज। लेट पी हैट पी द रेटिना वेरिएबल द प्रोपोर्शन ऑफ डिजीज प्लांट्स इन द सैंपल, देन n इक्वल्स टू 250 is large enough to consider the sampling distribution of p hat as normal with mean. याद रखें n आपका 30 या उससे अबव होगा तो हम उसको लार्ज n कंसीडर किया करेंगे। n कितना होगा, 30 या उससे अबव, ठीक है, तो हम उसको लार्ज n कंसीडर करते हैं। और अगर n यानी सैम्पल साइज स्मॉल n 30 से स्मॉलर हो तो फिर हम उसको स्मॉल n कंसीडर करते हैं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज़ करने के लिए अगर n जब भी हमारा जिस भी केस में 30 होगा तो हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ p हैट एज नॉर्मल विद मीन, म्यू ऑफ p हैट किसके इक्वल है, p के इक्वल है, जो कि हमें 0.02 गिवन है क्वेश्चन में। सिग्मा ऑफ पी हैट पी क्यू ओवर एन के इक्वल है, क्योंकि हमें ना तो कैपिटल एन क्वेश्चन में नज़र आ रहा है ना ही उसने कहा है कि सैम्पलिंग जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट हुई है, लिहाजा हम पी क्यू ओवर एन होल स्क्वायर रूट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ पी सी को इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे पी 0.02, क्यू जो है वो 1 माइनस पी के इक्वल है, 1 माइनस 0.02 इक्वल्स टू 0.98 डिवाइड बाई 250 इक्वल्स टू 0.005, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट यानी कि सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो लेस है लेस देन 1%, लेस देन 1%। तो 1% 1 डिवाइड बाई 100 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.01। अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था हम यूज़ करेंगे कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर, हमारे पास साइन कौन सा है, लेस का है। लेस वाले साइन में मैं आपको बताई हूँ कि हमने कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर को क्या करना है, पी हैट में से माइनस करना है, 0.01 माइनस 1/2n। तो आगे फिर दोबारा लिख दिया है 0.01 माइनस 1/2n, n 250 है, 2 इंटू 250, 0.01 माइनस 1/500, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अब हम लोगों ने ये लिख दिया है 0.01 माइनस 1/500 माइनस म्यू ऑफ पी हैट और सिग्मा पी हैट, और इधर भी हम लोगों ने क्या किया है, म्यू ऑफ पी हैट सिग्मा ऑफ पी हैट में से माइनस किया और डिवाइड किया ताकि ये जी की फॉर्म में आ जाए, जिससे हमारे पास जी बन गया है। और इस बाकी सारे में हम लोग वैल्यूज़ पुट करके जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं इसको सॉल्व कर लेंगे तो जी लेस देन माइनस 1.355 आ जाएगा, जो कि हमारे पास फाई ऑफ माइनस 1.355 के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू जाके अपने क्यूमुलेटिव नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चेक करें, टेबल जो आपके पास मौजूद है, और फिर उसका आंसर जो है वो यहाँ पे लिखें, ठीक है।
फिर जो है आपके पास सेकंड पार्ट है उसमें है पी हैट इज़ ग्रेटर देन 4%, तो 4 डिवाइड बाय 100 हमारे पास 0.04 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी हैट इज़ ग्रेटर देन 0.04 हमें फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि साइन है ग्रेटर का साइन है, तो कॉन्टीन्यूटी करेक्शन फैक्टर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्लस 1/250 आ गया। बाकी का सारा प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही चलेगा और जी आ जाएगा ग्रेटर देन 2.485। 1 माइनस इसको क्योंकि ग्रेटर वाला साइन है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जी इज़ लेस देन 2.485, 1 माइनस फाई ऑफ 2.485। इसको जाके टेबल में देखें वैल्यू और फिर 1 में से माइनस करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14.50। ठीक है, अच्छा, अब 14.50 में आपको क्या गिवन है, अ स्मॉल प्रोफेशनल सोसाइटी हैज़ कैपिटल एन, यानी कि पॉपुलेशन साइज इक्वल्स टू 4500 मेंबर्स। द प्रेसिडेंट हैज़ मेल्ड एन इक्वल्स टू 400 क्वेश्चनियर्स टू अ रैंडम सैंपल ऑफ मेंबर्स आस्किंग वेदर दे विश टू एफिलिएट विद अ लार्जर ग्रुप। सैंपल साइज 400 है, पॉपुलेशन साइज 4500 है। एज्यूमिंग दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द एंटायर मेंबरशिप फेवरिंग कंसोलिडेशन इज पी इक्वल्स टू 0.7, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो आपको 0.7 गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट डिफर्स फ्रॉम दिस बाय नो मोर देन 0.05। तो जब डिफर्स आएगा हमारे पास तो हम 0.05 पी में से माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे बोथ साइड्स पे। ठीक है, रेंज आएगी। तो पी हैट की वैल्यू के लिए उसने हमें क्या इंडिकेशन दी है कि वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी से 0.05 यूनिट्स तक डिफर करती है, या तो उससे ग्रेटर है 0.05 यूनिट्स या फिर उससे लेस है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे पास आ जाता है, हमें गिवन है कैपिटल एन 4500, स्मॉल एन 400, पी जो है पॉपुलेशन प्रोपोर्शन 0.7। वी हैव टू फाइंड अबाउट प्रोबेबिलिटी डेट सैम्पल प्रोपोर्शन पी हैट डिफर्स फ्रॉम दिस बाय नो मोर देन 0.05, दैट इज 0.7 प्लस माइनस 0.05। 0.7 माइनस 0.05, 0.7 प्लस 0.05। इस रेंज में हमारी लाई करेगी सैम्पल प्रोपोर्शन की वैल्यू, जो कि आ जाएगा हमारे पास पी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.65, 2.75 पी हैट जो है इनके दरमियान लाई करेगा। ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, अब जो है बिल्कुल पहले की तरह जैसे हम लोग कर रहे हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, पी हैट माइनस पी ओवर सिग्मा पी हैट करके इसको कन्वर्ट करेंगे जी में, और फिर जो काम हमने जी के लिए किया है वही कुछ हम पी हैट की वैल्यू 0.65 के साथ भी करेंगे और 0.75 की वैल्यू के साथ भी करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा पी हैट है वो हमने स्टार्ट में एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन यानी कि एफ पी सी उसमें मल्टीप्लाई कर लिया है एहतियातन, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमें पॉपुलेशन का साइज़ 4500 गिवन है। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमें इसको फर्दर यूज़ करना है या इसको इग्नोर करना होगा। सैम्पल साइज़ अगर 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज से ग्रेटर हुआ तब हम इसको यूज़ करेंगे। सैम्पल साइज़ है 400, 5% ऑफ पॉपुलेशन साइज़ जो है वो 225 आया है, लिहाजा 400 जो है वो ग्रेटर है 225 से, सो वी विल यूज़ FPC। तो यहाँ आके हमने क्या किया है, ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या किया है, उसको सॉल्व किया है। तो जी जो है वो माइनस 2.28 से 2.28 की रेंज में जो है वो लाई कर रहा है। सो वो हमारे पास फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम, और हमारे पास क्यूमुलेटिव टेबल से जाके वैल्यूज़ देखेंगे, सो वी विल गेट द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़, उनका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस करने हैं, मैंने तकरीबन सारे करवा दिए हैं, सिर्फ आपका 14.49 का जो बी पार्ट है वो आप लोग बिल्कुल सेम है उसको खुद करके मुझे सेंड करेंगे।